हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग लेसन, जिसमें हम आपको दो रंग का ये डिज़ाइन बनाना बताएंगे। दो रंग का ये डिज़ाइन है, बहुत इजी है बनाने में और बहुत ही आप इसको नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग वूलन प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसे आप स्वेटर जैसे में यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट में यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए ब्लैंकेट बनाए जाते हैं, शॉल में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी ये डिज़ाइन है। सिर्फ इसमें आपको सीधा और उल्टा बुनने वाला ये डिज़ाइन है। तो जो बहुत ज़्यादा निटिंग नहीं जानते हैं लोग, जो केवल सीधा उल्टा ही बुनना जानते हैं निटिंग में, वो भी इस डिज़ाइन को अपने वुलन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना स्टार्ट करने के लिए हमें जो फंदे लेने हैं वो चार चार के मल्टीपल में लेने हैं, जैसे कि 40, 44, 32, 36, इस तरह से लेने हैं, और उसमें +1 कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी सिलाई में जो फंदे लिए हैं वो चार के मल्टीपल में 40 फंदे लिए हैं और +1 करके 41 कर लिए हैं। तो 41 फंदे हमारी सिलाई में हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल ये 8 रो का डिज़ाइन है। टोटल इसमें हमें 8 रो डालनी है, और जो फर्स्ट रो है हमारी, वो हम उस कलर से डालेंगे जिस कलर से हमने बॉर्डर नहीं बनाया है। जिससे हमने बॉर्डर बनाया है उससे, जो हमारा सेकेंड कलर है उससे हम इसमें फर्स्ट रो डालेंगे। जैसे कि हमारे जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने व्हाइट कलर से बॉर्डर बनाया है, तो हम इसे रेड कलर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बुनना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में सीधी साइड से पहले 2 फंदे हम इसमें रेड कलर से बुनेंगे, और उसके बाद जो थर्ड फंदा है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे। अगले 3 फंदे फिर हम रेड कलर से बुनेंगे, और जो फोर्थ फंदा है, अगला फंदा है, उसे बिना बुने निकाल लेंगे। फिर अब हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे सीधे और 1 फंदे को निकालेंगे बिना बुना। देखिए, 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 1 फंदे को बिना बुना। इसी तरह से ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद अब हम सेकंड रो में आ गए हैं। सेकंड रो में हमें क्या करना है, जो पहले 2 फंदे हैं रेड, जो रेड कलर से हमने, जो लास्ट फंदे हमारे 2 रेड कलर से आए हैं, उनको हम सीधा बुनेंगे, और उसके बाद धागे को अपनी साइड ले आएंगे। और जो व्हाइट कलर का फंदा है ये हम बिना बुने ही ऐसे ही उतारेंगे, इसको नहीं बुनना है हमें। फिर से सीधा तरफ ले जाएंगे धागे को, और अगले 3 फंदे जो कि रेड कलर से हैं इनको सीधा बुन लेंगे। फिर अपनी तरफ लाएंगे, फंदे को बिना बुने छोड़ देंगे व्हाइट वाले को, और फिर पीछे ले जाकर 3ों फंदे सीधे बुन लेंगे। इसी प्रोसीजर से ये सेकंड रो हमें कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरह से। चलिए हम इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट 2 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो हमारी बिल्कुल रिपीट है फर्स्ट रो के जैसी ही, बिल्कुल रेड कलर से ही हमें बुननी है, और सेम उसी तरह बुननी है जैसे कि हमने फर्स्ट रो बुनी थी। देखिए इसी तरह से 3 फंदे हम बुन रहे हैं। 1 फंदे को जो व्हाइट कलर का ही है उसे निकाल रहे हैं। इसी तरह करते करते हम इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लेते हैं। और जिस तरह से ये थर्ड रो हम रिपीट कर रहे हैं फर्स्ट रो की तरह, इसी तरह से फोर्थ रो रिपीट होगी सेकंड रो की तरह। उसमें भी हम रेड कलर से ही बुनाई करेंगे, और 3 फंदों को सीधा बुनते जाएंगे रेड कलर के, और व्हाइट कलर के फंदे को बिना बुने उतारते जाएंगे। फोर्थ रो बिल्कुल सेकंड रो की तरह रिपीट होगी। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड लाएंगे, और अगला फंदा वाइट कलर का बिना बुने उतारेंगे। पीछे ले जाकर धागे को, रेड कलर के फंदों को सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से हमें इस फोर्थ रो को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए, 4 रो हमारे इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम 5th रो में आ गए।
फिफ्थ रो हम वाइट कलर से बुनेंगे, इसमें कलर को चेंज करना है। और पहले चार फंदे इसमें सीधे बुने जाएंगे। देखिए वाइट कलर का फंदा इसमें सीधा बुना गया और एक और रेड में से हम ले लेंगे। देखिए पहले चार सीधे बुन लिए, उसके बाद अगला फंदा जो रेड कलर का है, जो रेड कलर के तीन फंदे थे उसमें से ये बीच वाला फंदा है, इसे बिना बुने रखेंगे और फिर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से अगला को बिना बुने रखेंगे, फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे। और इसी प्रोसीजर के साथ इस फिफ्थ रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सिक्स रो में हम आ गए हैं और सिक्स रो में जो व्हाइट कलर के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। चार फंदे व्हाइट कलर से हैं, इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे और रेड कलर का फंदा बिना बुने उतार कर फिर से पीछे धागा ले जाकर तीन फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे। और इसी प्रोसीजर के साथ इस सिक्स रो को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए सिक्स रो कंप्लीट हो गई है और सेवन्थ रो जो कि बिल्कुल फिफ्थ रो की तरह रिपीट है, व्हाइट कलर से ही हमें बुननी है, तो उसी तरह से हम बुनेंगे। चार फंदे सीधे और फिर अगला फंदा बिना बुना, तीन फंदे सीधे और अगला फंदा बिना बुना। चलिए इस सेवन्थ रो को भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सेवन्थ रो कंप्लीट होने के बाद अब एट्थ रो में आ गए हैं और एट्थ रो हमारी बिल्कुल सिक्स्थ रो की तरह रिपीट है। इसमें भी हमें व्हाइट कलर से ही नीटिंग करनी है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से रेड कलर के फंदों को बिना बुने छोड़ना है, धागा अपनी साइड लाके और फिर से पीछे ले जाकर व्हाइट कलर के फंदों को सीधा बुनना है। चलिए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है, फाइनल रो है। और इसके बाद हमें जितना बड़ा अपना वुलन प्रोजेक्ट बनाना है हम इन एट्थ रो को रिपीट करते जाएंगे और हमारा वुलन प्रोजेक्ट बनता जाएगा। एट्थ रो कंप्लीट होने के बाद हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा और अब हम इस डिज़ाइन को ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन आगे बढ़ता जाएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन हमारा पसंद आया होगा और आप इसे अपने वूलन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो हमारे चैनल निटिंग लेसन को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको और आने वाले डिज़ाइन, नए नए जो डिज़ाइन हैं वो मिल सकें। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।